ना रानी है ना भैंस है, मिल गया। चलिए चटनी के लिए भी आम तोड़ना ऊंचा है और चढ़ के एक वो बांध लटका हुआ है, इसी पे काम होता है। ये देखिए पूरा पका हुआ पपीता। क्या ची कौन सा? ना रानी है ना भैंस है, रानी का बच्चा उधर है और भैंस का बच्चा उधर है। और ये रही मेरी धन्नो और इधर भैया का प्याली लगा हुआ। तो चलिए घर पे चल के दिखाते हैं कि घर पे कौन कौन आया हुआ है, आप सभी को दिखाएंगे। इधर रहा मेरा रूम और तुम गर्मी से हालत खराब है। घर पे कौन आया है चलिए दिखाते हैं आप सभी को। और ये बड़ी दीदी है और वो बुआ है, टकलू है, बहुत बदमाशी करता है। उसके साथ जो है वो बहुत शांत है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और वो बहुत ज्यादा हल्ला करती है। और ये देखिए क्या बोलेगा, कुछ बोल नहीं बोलेगा। अरे टकलू बोल बोल ना, अरे टकलू बोल कुछ बोल ना, नहीं तो लेदा तो लेदा नहीं तो लेदा नहीं तो लो कुछ 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 बोलो। तो बनना सा करते रहता दिन भर, छोड़ दो साक्षी छोड़ दो। हम तुम्हारा चश्मा चोरी किए हैं। हाँ। कौन बोला कि चश्मा चोरी किए? दो का कर रहा है जी, तुम जा रहा है ना जी, उल्टा चश्मा कैसा उल्टा चश्मा जी? को मिल रहा है उसके बाद ऐसा अमृता को मिलेगा, हम तो छोटी है। बाय 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 बाय। दादी कैसे बोलती है? माई दादी कैसे? बहुत खुश है जी। चलो बाय, फिर कब मिलेगा? कर दो बाय, नहीं आएगा शादी में। बोलो आपके शादी में आएंगे, आप लाइएगा। इतना जल्दी शादी? चोरी कर चश्मा। कौन चश्मा तुम्हारा चोरी कर रहा? तू। हम चश्मा चोरी किए हैं? नहीं बोलेगा, बोल दो। बस अब इधर जा रही है और इधर कचरा वाले हैं कचरा उठाने के। और यहाँ एक पेड़ लगा था मेहंदी का लेकिन बहुत लग गया, हर रोज उसको पानी देते हैं। मेहंदी का पेड़ अभी अच्छा दिख रहा है और इधर अड़हुल का भी फूल लगाए थे तो अड़हुल का फूल इतना बड़ा हो गया। और उधर रहा मेरा स्कॉर्पियो जो वहाँ लगा हुआ, कल पापा जा रहे हैं। इधर जाता है खेत की ओर रास्ता और इधर जाता है बगीचा में। चलते हैं बगीचा में और देखते हैं कि आम कैसा फड़ा हुआ है और जामुन भी पक पक के गिर रहा है तो भी देखेंगे। और ये रहा लंबा सा पेड़ जामुन का ऊपर तक और पूरा ऊपर जामुन पका हुआ, अभी एक दो हमको मिला भी है, एक इधर हाथ में है और एक इधर और मिला और एक और इधर है, पूरा बहुत सारा जामुन गिरा हुआ। एक इधर भी है देखिए, एक इधर भी है, एक इधर भी है। देखिए यहाँ 2 मिनट भी नहीं हुआ और इतना सारा जामुन मिल गया। चलिए चटनी के लिए भी आम तोड़ना है। और ये देखिए सब जितना है सब आम लगा हुआ, पूरा आम फड़ा हुआ। और इधर का आम लगा हुआ था, कोई लगता है कि तोड़ के लेके चला गया। और इधर भी लटका हुआ। चलते हैं मालदा दिखाते हैं आपको। मालदा है और मेरा फेवरेट आम का है मालदा, जिसको हम करीब 10 दिन से पका पका के खा रहे हैं। और इधर रहा दो पेड़ वहाँ पे है, 4 पेड़। और ये रहा जामुन का लंबा सा पेड़, ऊपर पूरा जामुन फड़ा हुआ, बारिश हो जाता तो और पक जाता जामुन। तो चलते हैं 2-4 आम तोड़ लेते हैं क्योंकि मम्मी बोली है चटनी के लिए आम तोड़ने के लिए। अभी मैं चढ़ा हुआ हूँ आम का पेड़ पे और देखिए कितना ऊंचा है। और चढ़ के एक वहाँ दिख रहा है, उसको भी तोड़ना है। देखिए कितना पास पास आम है, उसको भी तोड़ेंगे। इधर से करीब 8-10 आम तोड़ लिए और एक वहाँ लटका हुआ है, वो वहाँ लटका हुआ है और एक वहाँ है उधर। इधर सूरज भगवान दिखाई दे रहा और इधर बारिश हो रहा, दोनों काम भी एक साथ हो रहा, इधर सूरज भगवान इधर बारिश। हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रहा, हम लोग इसको बोलते हैं कि सियार का सदी हो रहा और अच्छा खासा हवा तेज चल रहा, एकदम हवा पूरा तेज चल रहा। मौसम अभी जाके मजा आया, जो मौसम मौसम कहा जाता ना वही औसम हो गया चारों तरफ। और नीचे आंगन में देखिए मम्मी चूल्हा को ढक दी है और आंगन में इधर बीच में कद्दू भी रोपा हुआ है, कद्दू छत पे चढ़ेगा ऊपर की ओर। और पूरा चारों तरफ जो मौसम है ना सुहावना हो चुका है। जो लग रहा था कि गर्मी से हालत खराब हो जाएगा और
बारिश पड़ने के बाद मौसम जबरदस्त हो गया, मौसम जो ऑसम कहा जाता है मौसम हो चुका है। और अच्छा बारिश नहीं हुआ है मगर हवा तेज चल रहा है और गर्मी लगातार दो तीन दिन से इतना ज्यादा गर्मी हो रहा था कि पूरा हालत खराब था। और तो मजा है अलग ही है क्योंकि सूरज भगवान उगे हुए और बारिश हो रहा है। तो मुझे बचपन में याद है मम्मी बार बार कहती थी कि सियार का शादी जब होता है ना ऐसा होता है कि सूरज भगवान भी उगे रहते हैं और बारिश भी होता है। बारिश जो है रुक गया और हवा अभी भी तेज चल रहा है चारों तरफ और मौसम जो ऑसम कहा जाता है ना वो मौसम हो गया और पूरा छत्ते पानी चारों तरफ लग गया। और रात में इसी पे बैठ के हम वीडियो एडिट करते हैं और वीडियो बनाते हैं, इसी पे काम होता है। ये देखिए पूरा पका हुआ पपीता, एक दो तीन चार पाँच पूरा पका हुआ। वो देखिए जबरदस्त अभी का व्यू हुआ, दोनों आपस में सट रहा है और सट लगभग ढक चुका है, अब सूरज भगवान दिखाई नहीं देंगे। और ये दूध लेके जा रहे हैं, उस दोनों को भूख लगा हुआ कोनों में रख दिए, हम ये दोनों एकदम आराम से पी रहे हैं। और ऊपर काला बादल घेरे हुए है, ऊपर तो पूरा चारों तरफ जहाँ देखिएगा उधर काला बादल पूरा घेरे हुए एकदम, जिधर देखिए उधर तक। और सामने एयरफोर्स का दीवार दिख रहा है और वो रहा झोपड़ी, झोपड़ी का हालत बारिश में खस्ता हो चुका है, सब चारों तरफ से टूट गया, फिर इसको बनाना पड़ेगा। और इधर मौसम जो चारों तरफ का सुहावना हो चुका एकदम हरियाली ही देखेगी, ये पूरा बगीचा हुआ बगीचा का पूरा है और चारों तरफ हरियाली। और फिर देखिए ऊपर सूरज भगवान फिर से निकलने का कोशिश कर रहे हैं, है जितना है सब गाय को खुला छोड़ा दिया गया और भैंस को भी खुला छोड़ दिया गया और चारों तरफ वो लोग घूम घूम के चल। शाम के करीब 7 बज रहे हैं और अभी का मौसम देखिए बहुत सुहाना लग रहा है, एकदम चारों तरफ पीला पीला दिखाई देगा। तो आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।